हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीप स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ शिहाबुद्दीन उमर खिलजी के बारे में, जो कि खिलजी डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे और अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे, जिनके बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी जो थे, उनका टाइम पीरियड 5 जनवरी 1316 से अप्रैल 1316 तक था। उनका जन्म 1310 से 1311 के बीच में हुआ था। उनके फादर का नाम अलाउद्दीन खिलजी था और उनकी मदर का नाम जेथेपल्ली था। उनका रिलीजन सुन्नी इस्लाम था और उनकी मृत्यु 1316 को 6 साल की उम्र में हो गई थी, ग्वालियर इंडिया में। रीजन ऑफ शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। शिहाबुद्दीन जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के सक्सेसर थे। जब जेथापल्ली शिहाबुद्दीन की मदर थी, जो कि देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की बेटी थी। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद मलिक काफूर, जो कि उनके सबसे करीबी दोस्त माने जाते थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें शिहाबुद्दीन को अलाउद्दीन खिलजी के सक्सेसर के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। शिहाबुद्दीन के रूलर बनने के बाद मलिक काफूर ने खुद को शिहाबुद्दीन का गार्जियन बना दिया। जब शिहाबुद्दीन ने को सक्सेसर डिक्लेयर किया गया, तब वो सिर्फ 6 साल के थे, इसलिए उन्हें पपेट रूलर के तौर पर कहा जाता है या देखा जाता है, क्योंकि जब वो इतने छोटे थे तो दिल्ली सल्तनत पे रूल तो नहीं कर सकते थे। तो जो पावर्स थी वो सब मलिक काफूर के हाथ में थी। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद मलिक काफूर ने उनकी विधवा जेथापल्ली से शादी की, जो कि शिहाबुद्दीन की मदर थी, और नए सुल्तान के स्टेप फादर के रूप में उन्होंने ज़्यादातर पावर अपने हाथ में ले ली। डेथ ऑफ मलिक काफूर। अपने कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए मलिक काफूर ने क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे खिज्र खां और शहीद खां, उन दोनों को अंधा कर दिया। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सीनियर क्वीन मलिके जहां को और उनके बेटे मुबारक शाह को बंदी बना लिया, जो कि उनके जो अलाउद्दीन खिलजी के जो बॉडीगार्ड्स थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि आप हमारे मास्टर के फैमिली के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और मलिक काफूर का मर्डर कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मलिके जहां और मुबारक शाह को जेल से बाहर निकाला। डेथ ऑफ शिहाबुद्दीन उमर। अब काफूर के जो किलर्स थे उन्होंने मुबारक शाह को आज़ाद कर दिया था, तो मुबारक शाह ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और शिहाबुद्दीन का गार्जियन बन गया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही अप्रैल 1360 में मुबारक शाह ने शिहाबुद्दीन को उनकी गद्दी पे से हटा दिया। शिहाबुद्दीन को ग्वालियर भेज दिया गया, जहां पर मुबारक शाह के फेथफुल सोल्जर्स ने उनकी हत्या कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।